हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी से वैकेंसीज आई हुई हैं, सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। मैं वेबसाइट पे आ गई हूँ, यहीं से आपके साथ शेयर करूँगी। वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ ही में न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है, तो वो दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, BET.org.in। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से नीचे ओपन होकर का आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अलावा दोज वो अप्लाइड वंस नीड नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है, जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैकेंसी जो है वो बिरला स्कूल्स एट पिलानी, किशनगढ़, एन श्री गंगानगर, राजस्थान, तीन जगह से वैकेंसीज़ आई हुई हैं। PGT में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड फाइन आर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। TGT में इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिंदी एंड संस्कृत, म्यूजिक, वोकल, डांस के लिए रिक्रूटमेंट है। PRT में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, मैथमेटिक्स के लिए। अदर टीचिंग पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, ICT एक्सपर्ट, बैंड मास्टर, वुड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी हैं इसमें, जैसे बुरसार में रेसिडेंशियल स्कूल के लिए है, परचेज मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, स्कूल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर, पेस्ट्रल केयर रेसिडेंशियल स्कूल एंड मैट्रॉन के लिए एंड नर्स फीमेल के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि मैक्सिमम होनी ही चाहिए सबके पास। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट एज पर CBSE नॉर्म्स, तो ये CBSE की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे टीचर्स की सिलेक्शन के लिए। एंड एक्सपीरियंस फॉर ऑल पोस्ट, मिनिमम 2 to 3 years इन सिमिलर कैपेसिटी इन लीडिंग स्कूल्स। ठीक है, तो 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स एसेंशियल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, PF ग्रेचुटी, मेडिकल, 2 child एजुकेशन एंड सैलरी अलाइन टू 7th pay commission। तो 7th pay commission के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के और वहाँ के मेन इसी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा अप्लाई करना। किस तरीके से अप्लाई करना है इसे भी देख लीजिए आप। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली विद इन 10 days। तो ये वैकेंसी आज ही पब्लिश हुई है, ठीक है, 10 मई को, और इसमें 10 days यानी 20 मई के पहले तक आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, जैसे मैंने ऊपर लिंक दिया था, दिखाया था अभी आपको। आप देखिए यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो मैं क्लिक करके आपको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से आपको बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का है, यहाँ पे लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी मैंने आपके साथ दिखा दिया है। सेम यही जो नोटिफिकेशन जो यहाँ पर शो हो रहा है, सेम यही न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है, तो उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इजीली जाकर ले सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरीज़ हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा DAV की जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं मैंने सारी शेयर की हैं आपके साथ। इसके अलावा मैंने उसमें सैलरी, DAV में क्या होता है, सैलरी स्केल क्या है, वो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, वो सारा कुछ शेयर किया है मैंने। तो और इसके अलावा भी मैंने सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की है, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रही हैं। और इससे अगर इसके अलावा PGT, TGT, PRT में किस तरीके से आप शॉर्टलिस्टेड हों, किस तरीके से आप प्रिपेयर होके जाएँ, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप रिक्रूटमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे इस तरीके की वैकेंसीज आती हैं, इसमें आप सिलेक्शन लेने में काफ़ी इजीली जो है प्रिपेयर हो सकते हैं और हेल्प होगी आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डिटेल्स आपको बताई। बिरला स्कूल की 3 जगह से वैकेंसीज आई हैं, पिलानी, किशनगढ़ और श्री गंगानगर, राजस्थान से। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का, हालांकि यहाँ पे CBSE
सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, एज लिमिटेशंस वगैरह नहीं है। तो जो बाकी स्कूल्स में होती हैं CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी CTET TGT के लिए, PRT के लिए CTET पेपर वन, तो उन लोग ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी। मतलब इन्हीं सब बेस पे आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे से अप्लाई करिएगा। कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।